हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है i7-840 जो है उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि अगर आपके पास 35,000 का बजट है तो इसमें आप कौन सी बेस्ट मशीन ख़रीद सकते हैं। तो HP 840 G1 के बारे में, G2 के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको इस मशीन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप मार्केट से फ्रॉड होने में से बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है यार कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे और फ्री में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि जितनी भी नई वीडियोज़ आए वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों, आज की जो मशीन है HP 840 है, बड़ी मशीन, स्लिम मशीन है। i7 जो है इसमें प्रोसेसर है, HP 840 G1 है, ये बड़ी स्लिम मशीन है। और इसके अंदर जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम बॉडी शेप की बात कर लेते हैं। इसकी जो मशीन है ये बहुत ज़्यादा स्लिम है और लाइट वेट है। इसमें जो जनरेशन है वो 4th जनरेशन है i7। इसमें 840 में 4th जनरेशन, i5 4th जनरेशन भी आता है, i5 7th जनरेशन भी आता है। तो i5 7th जनरेशन तो नहीं, अभी i7 4th जनरेशन जो है इस मशीन में आपको प्रोसेसर मिलेगा। i7 4th जनरेशन HP 840 G1 मशीन है। और इसके अंदर अगर ग्राफिक कार्ड की बात की जाए तो 2 GB का ग्राफिक कार्ड है दोस्तों। इसमें 2 GB NVIDIA जो क्वाड्रो ग्राफिक कार्ड है, जो आपकी गेमिंग जो है वो बड़ी बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से गेमिंग चलाएगा और वीडियो एडिटिंग के लिए बेहतरीन बेहतरीन लैपटॉप है। और इसकी जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। SSD के साथ भी आता है और SSD के बगैर भी आता है। तो इसमें आप दोनों चीज़ें भी इंस्टॉल कर सकते हैं, SSD और HDD। तो दोस्तों, डिस्प्ले की बात की जाए तो 14 इंच स्क्रीन में आता है, ये 14:6 में भी आता है, बट ये जो है ये मिनी साइज़ 14 इंच स्क्रीन के साथ है। कीबोर्ड बड़ी प्रीमियम क्वालिटी का है इसमें, कैमरा जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का है। और इसमें अगर एक्सटर्नल चीज़ें देखी जाएँ तो USB 2.0 ऑप्शन 2 है इसमें, और HDMI हाई डेफिनेशन पोर्ट भी है जो आप इसमें बड़ी LCD लगा सकें। और इसमें VGA पोर्ट भी है, LAN पोर्ट भी है, जहाँ से इंटरनेट की तार कनेक्ट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों जो बड़ी ही लाइट वेट मशीन है, केसिंग इसकी जो है वो पैनल, बैक पैनल इसका प्लास्टिक बॉडी का है और कीबोर्ड पैनल, फ्रंट पैनल जो है वो मेटल बॉडी का है, नीचे भी इसकी मेटल बॉडी है। तो दोस्तों, इसमें रैम हार्ड की बात की जाए तो इसमें रैम जो है इसमें 8 GB रैम आती है DDR3 जो है, और 500 GB हार्ड आती है SATA HDD। तो बड़ी प्रीमियम क्वालिटी की मशीन है। तो या इसकी जो प्राइस है वो 35,000 के करीब जो है वो आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएगी। और दोस्तों, इसको ख़रीदने का बेहतरीन तरीका ये है कि जहां से भी आपने परचेज़ करना है HP 840 G1 i7 4th जनरेशन, उसको आपने दुकानदार को कहना जी ओरिजिनल बैटरी चाहिए हमें। ओरिजिनल बैटरी अगर आप खोलेंगे तो उसके ऊपर कंपनी का स्टिकर नहीं होगा, किसी भी लोकल बंदे का स्टिकर नहीं होगा। ये कंपनी जो ओरिजिनल जिसने लगाई है सिर्फ वही आपको मिलेगी। और लैपटॉप के साथ आपने ओरिजिनल चार्जर लेना है जो ब्रांडेड साथ में आता है। कुछ लोग आपको नया चार्जर दे देंगे, उससे जो है चार्जिंग बैटरी की लाइफ जो है वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है, बैटरी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, इंटरनल एक्सटर्नल चीज़ों में बैटरी चार्जर जो आपने ज़्यादा देखना है, और कीबोर्ड जो है वो भी आपने ओरिजिनल लेना है। लोग क्या करते हैं कि कीबोर्ड जो है वो चेंज कर लेते हैं, चाइना का कीबोर्ड उसको चेंज करके लगा देते हैं, उसमें मशीन के पैसे जो हैं वो कम हो जाते हैं। और इसको मार्केट में 35,000 के करीब आप ख़रीद सकते हैं, 33,000 के ख़रीद सकते हैं। इसमें सिल्वर और ब्लैक जो है वो मॉडल आता है। स्पीकर जो हैं वो भी बड़े अच्छी फाइन क्वालिटी के इसमें स्पीकर लगे हुए हैं। ब्लूटूथ इस डिवाइस में मिल जाएगी आपको, और वाईफाई इस डिवाइस में मिल जाएगी। ग्राफिक कार्ड 2 GB का मिल जाएगा, रैम DDR3 8 GB है, और SATA HDD है, और SSD की ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। 33,000 में ये मशीन आपको किसी भी मार्केट से, जहां पे भी आप रह रहे हैं वहां पे आपको मिल सकती है।
फाइनली इसमें अगर आप गेमिंग करना चाहें तो गेमिंग भी अच्छी कर सकते हैं। आप GTA 5, PUBG, कोई भी गेमिंग मशीन, कोई भी गेम जो है बड़ी इस पर आप चला सकते हैं। ऑफिस यूज़ के लिए ये बेहतरीन मशीन है, और अगर आप इसको डोमेस्टिक यूज़ के लिए रखें फिर भी बेहतरीन है। बैटरी बैकअप 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप इसका आपको मिलेगा, और वेबकैम की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इसमें। तो दोस्तों इसमें जो है अगर आपका 35,000 का बजट है तो इसको ख़रीदें और इसको इंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर भी मिल जाएंगे। और इसमें विंडो 10 जो है 19.5 वर्जन जो लेटेस्ट वाला है वो भी ये सपोर्ट करती है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि 35,000 के अंदर अगर आप लैपटॉप ख़रीदना चाहते हैं तो ये लैपटॉप ख़रीदें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसको लाइक ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफज़ाई हो सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हम नई नई वीडियोस आपके लिए और बनाएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।